सत श्री अकाल जी, मैं हाँ अभिषेक मैनू। तो तुसी देख रहे हो न्यूज़ 24 पंजाब हरियाणा। शाम दियां पंज खबरां लैके हाजिर होए हैं। तो शुरुआत करते हैं अज दियां सुर्खियां ते। लुधियाणा के भारत नगर चौंक दे विच आशा वर्करां वल्लों एक बार फिर तो धरना दिता गया, जिस दे विच उन्होंने पंजाब सरकार नूं अपनी मंगां दे तहत लगातार जो प्रदर्शन वो कर रहे हैं। उन्होंने यह कहना है कि आने वाले समय जी उन्हों की वेतन है जी तनखाह है वह सरकार बहुत घट दे रही है, तो अपनी तनखावों बधाने के लिए जे आशा वर्क ने हूँ आने वाले समय पूरे पंजाब अपना रोस प्रदर्शन करेंगे। धरने कैप्टन अमरिंदर सिंह घर के बाहर लगाए जाएंगे। पंजाब लगातार पै रहे मीह के बाद संगरूर के एक पिंड काशीवाला जिथे एक गरीब का मकान मीह के कारण पूरा तबाह हो चुका है। दसिया जा रहा है कि जो गरीब से उसकी लड़की का विआह दो दिन बाद रखा गया सी, पर भारी मीह ने पूरे घर के तहस महस कर दी है और जोड़ा समान वह भी खराब हो चुका है। हिमाचल में भारी मीह तो बाद हुण हिमाचल सरकार ने रैड अलर्ट जारी कर दिया गया। जेकर गल की जाए हिमाचल के तो इस वक्त तकरीबन 185 के करीब जी सड़क ने वह ब्लॉक कर दी गई हैं। जे अगर मौतों की गिनती का अंकड़ा दसिया जाए तो 200 के करीब लोग जोड़े मौत अपनी जान गवा चुके हैं। 81 साल बाद सुनी गई सुनाम के लोगों की गुजार, जिस दे 31 जुलाई में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे ऑनलाइन स्क्रीन द्वारा शहीद उधम सिंह मेमोरियल का उद्घाटन। पटियाला में यूडी अधिकारियों वालों किया गया भारी हंगामा, जिस दे सरकार रही नाकामयाब, जिस दे कारण सरकार नाल इट ना इट बजा के यूटी अधिकारियों वालों अपनी मंगा मनाने के लिए पटियाला लगातार जो धरना है वह जारी रहेगा।